मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक बड़ा सा घर दिखता है। इस घर में फेलिक्स अकेला ही रहता है। अभी अभी इसका तलाक हुआ है और ये एक आर्किटेक्ट है। इस पूरे घर को उसने ही अभी अभी डिजाइन किया होता है। एक नए घर के प्लान पर वो काम कर रहा होता है, तभी उसे लगता है कि घर में कोई है। ये देखकर वो बहुत ही डर जाता है और जब ये देखने के लिए जाता है तो उसकी ये वाइफ ही होती है। उसके एक्स वाइफ के पास अभी भी घर की कीज है, इसलिए वो अंदर आ गई थी। इसकी वाइफ की बहुत सारी चीजें अभी भी घर पर है तो ये लेने के लिए वो आती रहती है। फिलिक्स को अभी भी लगता है कि उसकी वाइफ उसके पास वापस आ जाए, पर ये होने नहीं वाला होता। फिलिक्स उसके वाइफ से उसके अपार्टमेंट के बारे में पूछता है। ये सिर्फ 300 स्क्वायर फुट की अपार्टमेंट होती है, इसका घर बहुत बड़ा होता है। उसकी वाइफ कहती है कि मेरा घर छोटा है पर फिर भी वहाँ कपल रह सकते हैं। इसके जो बॉक्सेस होते हैं ये 2 महीनों से यही होते हैं। फिलिक्स उसे बोल रहा होता है कि एक बार में अब सब तुम ये लेकर जाओ। अब हमें देखता है कि फिलिक्स अपने लिए खाना बनाता है, अच्छी सी वाइन पोर करता है, अच्छा से डिनर करता है। जब वो रात में खिड़की से देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि एक आदमी उसे देख रहा है। उसके घर के बाहर ही एक फोन बूथ होता है। इस फोन बूथ के पास वो आदमी खड़ा हुआ होता है। रात में जब फिलिक्स सोया हुआ होता है तो हमें दिखता है कि उसकी खिड़की से कोई उसे घर में देख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट दिन आता है। फिलिक्स अपना रूटीन स्टार्ट करता है और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। तभी नेबर का कुत्ता वहां जाता है। उसका जो ब्रेकफास्ट होता है वो ये खराब कर देता है। इस कुत्ते को बाहर निकालता है तो उसकी ओनर आ जाती है। ये कुत्ते की ओनर फिलिक्स को बहुत डांटती है। वो कहती है कि ऐसा कैसे तुम कर सकते हो, कहती है मेरे डॉग को तुम हाथ नहीं लगा सकते। ये उस पर बहुत ही चिढ़ गई होती है। फिलिक्स भी कहता है कि मेरा घर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारा डॉग यहाँ कैसे आ सकता है। उसके डॉग को वो कंट्रोल करने के लिए बोलता है। ये नेबर फिर वहां जाते जाते उसे बहुत सारी गालियां दिख कर जाती है। फिलिप्स की वाइफ की एक अच्छा सा पोर्ट्रेट उसने बनाया हुआ होता है। उसकी वाइफ ये मांग रही थी पर उसे देना नहीं है। उसकी वाइफ को ये बहुत ही पसंद है पर फिलिप्स को भी इसे देखना अच्छा लगता है। इस पोर्ट्रेट को उसने अपने बेड के नीचे छुपा कर रखा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि दोपहर में फिलिप्स की वाइफ आती है। वो बड़ी सी ट्रक ही लेकर आती है। सब मूविंग वाले लोग आते हैं और सब जो बॉक्सेस उसके हैं ये सब लेकर जाते हैं। फिलिप्स की वाइफ अंदर भी नहीं आती। रात में फिलिक्स को बुरा लग रहा होता है कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई है। तभी डोर पर एक नॉक आती है। उसे लगता है कि उसकी वाइफ ही आई होगी पर वहाँ उसका एक नेबर आया हुआ होता है। पिछली रात उसने जिस आदमी को बाहर देखा था ये वही आदमी है। इस आदमी का नाम ब्रूनो होता है और ये इसका ही नेबर होता है। फिर ब्रूनो फिलिक्स से कहता है कि क्या तुम्हारे घर से मैं कॉल कर सकता हूँ। फिलिक्स बोलता है कि बाहर तो एक पेफोन है, वहां से तुम क्यों नहीं कर सकते। ब्रूनो कहता है कि बाहर का पेफोन खराब है। ब्रूनो जब अंदर आता है तो घर की बहुत तारीफ करता है। फिलिक्स को भी अच्छा लगता है। ब्रूनो को एक कॉल लगाना होता है पर वो प्राइवेट करना होता है, इसीलिए फिलिक्स को वहां से जाने के लिए बोलता है। फिलिक्स किचन में चला जाता है और बहुत देर हो जाती है, फिर भी ब्रूनो का कुछ भी अता पता उसे समझ में नहीं आता। जब वो फिर से हॉल में आता है तो फोन की तरफ देखता है तो वहां ब्रूनो नहीं होता। वो पूरे घर में उसे ढूंढता है तो उसे कहीं भी नहीं मिलता। उसे लगता है कि वो चला गया है। फिलिक्स को बहुत ही सस्पिशियस लगा होता है। वो बाहर आता है और पेफोन चेक करता है, यह अभी भी काम कर रहा होता है। फिलिक्स का जो रात में वो काम करता है वो स्टार्ट हो जाता है। वो अपने लिए डिनर कुक करता है और सो जाता है। रात में जब वो बेड में होता है तो उसे अपने घर में से कुछ आवाज आती है। ये एक वेट उठाता है, अगर कोई होगा तो इससे उसे मार सकता है। उसे लगता है कि आवाज जो है ये बेसमेंट से आ रही है। बेसमेंट जाकर चेक करता है तो वहां कोई भी नहीं होता। अचानक से इसके बेसमेंट का डोर लॉक हो जाता है। ये जल्दी से ऊपर जाता है और बहुत सारा ट्राई करने के बाद ये डोर खोलता है। ये फिर डर गया होता है, उसे अभी भी घर में से आवाज आ रही होती है। ये फिर जल्दी से अपनी कार में बैठता है और वहां से निकल जाता है। सुबह हो जाती है पर फिर भी वो बाहर ही रहता है। एक रेस्टोरेंट में आता है और वहीं पर वो सब ब्रेकफास्ट वगैरह करता है। अभी भी उसे घर नहीं जाना होता तो उसकी वाइफ के पास वो आ जाता है। जब वो उसकी वाइफ का घर देखता है तो बहुत ही छोटा होता है। इसकी वाइफ को पसंद नहीं आता पर सब पॉजिटिव चीजें इसके बारे में वो कह रहा होता है। फिलिक्स की वाइफ के अपार्टमेंट पर ये दोनों मिलकर हंसते हैं। फिलिक्स इसके पास बैठा हुआ होता है तो उससे कहता है कि क्या अभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। इसकी वाइफ उसे बोलती है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। फिलिक्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो कहता है कि क्या कोई और तुम्हारी लाइफ में है। उसकी वाइफ इस पर कुछ भी बोल नहीं रही होती है तो फिलिक्स गुस्से से जा रहा होता है। इसकी वाइफ उसे बोलती है कि मेरे लाइफ में कोई भी नहीं है। इसके बाद फिलिक्स फिर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वो शावर वगैरह लेता है और जब अपना टॉवल देखता है तो अजीब सी स्मेल उसमें से आती है। उसे लगता है कि यहाँ ऑलरेडी कोई था जिसने शावर यहाँ किया है। उसके बेड में वो देखता है तो उसका बेड थोड़ा सा गीला होता है। इसके सिंक में भी उसे किसी ने शेव किया है, इसके बाल उसे दिखते हैं। ये घर में जो आवाजें आती है इसे वो चेक करता रहता है। जिस रूम में वो काम करता है वहां उसे कोई खड़ा है, इसे शैडो उसे दिखती है। ये देखने के बाद वो डर जाता है और कुछ भी आवाज न करते हुए नीचे आ जाता है। ले जाने के बाद वो पुलिस को कॉल कर देता है। थोड़ी देर बाद जब पुलिस आती है तो पूरा घर जानती है। पुलिस को कोई भी यहाँ मिला नहीं होता।
अब पुलिस उससे पूछती है कि एग्जैक्टली तुमने उसे कहाँ देखा था। फिलिक्स जब फिर से उसके रूम में जाता है जहाँ पर वो काम करता है, जहाँ उसने शैडो दिखी थी, तब उसे पता चलता है कि ये कोट था। ये कोट की शैडो ग्लासेस से पड़ रही थी और उसे लगा था कि यहाँ कोई आदमी है। फिलिक्स फिर एक स्टोरी मेकअप कर देता है कि उसे टेबल के नीचे एक आदमी दिखा था। पुलिस जाने के बाद फिर से फिलिप्स को आवाज़ आने लग जाती है। तब ये बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है और ये सहन नहीं कर पा रहा। इसकी वाइफ को फिर ये कॉल लगाता है। इसकी वाइफ ने उसे बोला होता है कि इनका डिवोर्स हो चुका है, फिर वे एक दूसरे के फ्रेंड्स हो रह सकते हैं। इसकी वाइफ आकर उससे क्वेश्चन पूछती है कि क्यों तुमने मुझे यहाँ बुलवाया है। ये इसका कुछ भी सुन नहीं रहा होता, ये अपने ही थॉट्स में होता है। इसकी वाइफ फिर इसकी चिट जाती है, इससे बात नहीं कर रहा तो वो जाने लग जाती है। फिलिक्स खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि प्लीज मत जाओ, और तभी उसे फिर से आवाज आती है। अपने हाथ में जो ग्लास होता है वो नीचे वो गिरा देता है, खुद भी बैठ जाता है। उसके आंख से आंसू आने लग जाते हैं। फिलिप अपनी वाइफ से बोलता है, या तुम्हें कोई आवाजें सुनाई नहीं दे रही? इसकी वाइफ को भी और एक आवाज सुनाई देती है तो कहती है कि मैं जाकर देख आती हूँ। फिलिप्स को भी वो लेकर जाती है। जब वो ऊपर आते हैं तो फिलिप्स ने उसके जो विंडोज थे उसे ओपन रखा था। इसकी वाइफ जब ये देखती है तो ये उस पर बहुत ही हंसने लग जाती है, ये उसका बहुत ही मजाक उड़ाती है। फिलिप्स की वाइफ हंसते हंसते रोने लग जाती है, ये भी फिलिप्स से दूर नहीं रह सकती। फिलिप्स फिर उसे हक करता है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रात में जो आदमी उसके घर आया था इसके बारे में उसकी वाइफ को वो कहता है। इसकी वाइफ उसे पूछती है कि वो कैसा देखता था। फिलिप्स उठ जाता है और उस आदमी का स्केच बनाता है। रात में जब फिलिप्स की वाइफ सोई हुई होती है तो इसने अपनी वाइफ का जो फोटो था ये बेड के नीचे ही रखा था। ये पेंटिंग वो उठाता है और ऊपर रख देता है। इसके बाद फिलिप्स सोया हुआ में दिखता है और उसकी वाइफ वहां से उठकर चली जाती है। जब ये किचन में आती है तब किसी से बात कर रही होती है। ये कह रही होती है कि इतने टाइम तक हम इसे छुपा कर रखेंगे, तुम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकते। फिलिप्स फिर वहां आ जाता है, उसे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी। उसकी वाइफ बोलती है कि मैं किसी से भी बात नहीं कर रही थी। फिलिप्स इस बात को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता, वो बहुत ही चिढ़ गया था। वो डरा हुआ था इसी वजह से उसके हाथ में नाइफ होती है। इसकी वाइफ वो कुछ बोल रही थी ये डिनाई करती है। ये दोनों एक दूसरे के पास होते हैं और ये फाइट कर रहे होते हैं। फिलिप्स उसकी वाइफ का हाथ पकड़ लेता है तो उसे वो दूर फेंकने के लिए हाथ ऐसे करती है, तभी उसके हाथ में एक कट आ जाता है। फिलिप्स के हाथ में जो नाइफ होती है इसे ही कट आया हुआ होता है। इसकी वाइफ जब जा रही होती है तो फिलिप्स उसे कहता है कि तुम डरी हो, मुझे मालूम है, तो मैं भी डरा हुआ ही हूँ, मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, प्लीज ये तुम्हारे अपने दिमाग में रखो। तुम मुझसे अब डर रही हो इसलिए मैं यही रुकूंगा, तुमसे मैं अब डिस्टेंस मेंटेन करूंगा। फिलिप्स की वाइफ जाने के बाद भी उसे आवाजें आती ही रहती है तो घर से बाहर निकल जाता है और अपनी कार में ही सोता है। सुबह होने पर अपने ही घर में वो डर डर के जीता है। जल्दी से वो वहां से ब्रेकफास्ट निकालता है और जरा डोर के पास ही वो खाने लग जाता है। अब हम देखते हैं कि नेबर का जो डॉग था ये वहां आ चुका है। फिलिप्स को आइडिया आती है तो उस नेबर के डॉग को लीश लगाता है। उसे वो घर में अगर कोई होगा तो उसे ढूंढने के लिए कहता है। ये डॉग फिर स्टेयर से ऊपर आ जाता है। फिलिप्स भी उसके पीछे पीछे ही आया हुआ होता है तो तभी उसकी नेबर आ जाती है। नेबर जब देखती है कि फिलिप्स ने उस पर लीश लगाई है तो ये लीश वो फिलिप्स से ले लेती है। इस डॉग के पीछे पीछे नेबर भी ऊपर आ जाती है। जब ये नेबर ऊपर जाती है तो अचानक से स्टेयरकेस से गिर जाती है। गिरकर ये ही मर जाती है। जो डॉग था इसे भी लीश लगाई गई थी, इस लीश से ये भी मर जाता है। मरते हुए नेबर से फिलिप्स पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें किसी ने धक्का दिया है। उसे अभी भी लग रहा होता है कि ऊपर कोई ना कोई तो है। इसके बाद हमें दिखता है कि फिलिप्स पुलिस को कॉल करता है। ये पुलिस स्टेशन में है। जिस तरह से इंसिडेंट हुआ था ये पुलिस को फिलिप्स ने बताया हुआ है। पुलिस कहते हैं कि तुम्हारी जो स्टोरी है ये चेकआउट करती है, यानी को इनोसेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया है। पुलिस अब उसे वहां से जाने के लिए कहती है। फिलिप्स को घर जाना नहीं होता। वो कहता है कि मैंने अगर पहले कॉल किया होता तो जिंदा होती। पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम डर गए थे, तुम वैसे भी जल्दी कॉल नहीं कर सकते थे। फिलिप्स को लगता है कि उसे जेल में बंद कर देना चाहिए। ये पुलिस ऑफिसर से ये वीएड डिमांड करता है। पुलिस ऑफिसर उसे घर जाने के लिए कहता है। पुलिस ऑफिसर जब इससे बात कर रहा था तब उसके पास एक एविडेंस की बैग होती है, ये अपने लॉकर में रखता है। फिलिप्स जब ये देखता है तो एक गन वो चोरी कर लेता है। फिलिप्स जब घर के बाहर आता है तो पेफोन से अपने घर में कॉल लगाता है। वो देख रहा होता है कि क्या घर में कोई है। वो कन्फर्म करना चाहता है कि घर में कोई है। ये कॉल को उठा लेता है तभी फिलिप्स इसे बंद कर देता है। इसे अब पता चल जाता है कि उसके घर में कोई 100% है। ये घर में जाता है और उसे आवाजें ऊपर से आ रही होती है, इसके हाथ में गन होती है। ऊपर जाता है और उसके स्टोरेज रूम में कोई है इसे उसे लगता है। ये बहुत सारी गोलियां उस पर चला देता है। ये जब पास जाता है तो उसे खून पड़ा हुआ है ये दिखता है। स्टोरेज रूम में कोई चला गया है तो अंदर से वो डोर ओपन करने की कोशिश करता है, पर फिलिप्स पूरे जोर लगाकर इस डोर को बंद कर देता है, इसको लॉक भी कर देता है।
थोड़े दिन पहले जो आदमी घर में आया था उसका स्केच उठाता है, घर सब लॉक करता है और इसके बाद घर के बाहर आ जाता है। थोड़े आगे जाने के बाद यही ये सो जाता है। उसके नेबर का जो स्केच होता है इसने बाहर फेंक दिया होता है। कुछ बच्चे यहाँ से जा रहे होते हैं, इस स्केच को वो देखते हैं, ये एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एक बच्चे ने इस स्केच को पहचान लिया होता है, ये कहता है कि यही इस नेबरहुड में एक आदमी रहता है, इसका स्केच है। उसका फ्रेंड इस पर बिलीव नहीं कर रहा होता। फिलिप जब नींद से उठता है तो ये सब बातें वो सुन लेता है, जब इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। ये बच्चे फिर उस आदमी का इसे पता दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उस आदमी के घर में फिलिप्स घुस जाता है। इस घर में आने के बाद पूरे घर में वो घूमता है। थोड़ी देर में उसे डोर ओपन होने की आवाज आती है और वो घर में छुप जाता है। यहाँ पर एक पैरालाइज लेडी होती है, उसके साथ एक आदमी होता है। ये जो हाउस है इसके नेबर में ही है, इसका नाम क्लॉडिया होता है। क्लॉडिया और उसका फ्रेंड बात कर रहे होते हैं, तब हमें पता चलता है क्लॉडिया का हस्बैंड 2-3 दिन से गायब है। ये बहुत ही परेशान है, इसे अभी भी लग रहा था कि इसका हस्बैंड घर वापस आ चुका होगा। यहाँ पर कोई भी नहीं होता। क्लॉडिया अभी भी पैरालाइज्ड हुए है तो उसे लगता है कि पैरालाइज्ड है, इसी वजह से उसका हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया है। ये यहाँ रोने लग जाती है, उसका फ्रेंड उसे सहारा देता है। उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड वापस आ जाएगा, वो मेरा भी फ्रेंड था, वो ऐसे किसी को भी छोड़कर नहीं जा सकता, फिलिप्स यही छुपा हुआ होता है। बहुत रात हो जाती है तो फिलिप्स यही सोफे पर सो जाता है। सुबह क्लॉडिया अपने व्हीलचेयर से जब नीचे आती है तो फिलिप्स से देख लेता है, वो घर में छुप जाता है। उसके घर में कोई मर चुका है, ये अब सोचकर फिर से अपने घर में नहीं जाना चाहता। इस घर में वो छुपता रहता है। क्लॉडिया जब नीचे जाती है तो उसके रूम में वो बात वगैरह लेता है। क्लॉडिया रात में टीवी देखती है तो यही टीवी वो देखता है। उसका जो सब रूटीन होता है उसके साथ करता है। रात में सोने के लिए क्लॉडिया उसके रूम में जाती है। क्लॉडिया के नीचे आने के लिए जो लिफ्ट होती है उस पर हाथ फिलिप्स का पड़ जाता है, इससे वो नीचे चली जाती है। क्लॉडिया को लगता है कि घर में कोई है और वो बहुत ही डर जाती है। अपने बेडरूम में आकर अपने फ्रेंड को कॉल कर देती है। फिलिप्स भी क्लॉडिया की नजरों से छुप कर क्लॉडिया की बेड के नीचे ही छुप जाता है। थोड़ी देर बाद क्लॉडिया का फ्रेंड वहां आता है, उसे वो सहारा देता है। उसने पुलिस को भी बुलवाया होता है, ये पुलिस पूरे घर को छानते है पर उसे कोई भी नहीं मिलता। क्लॉडिया अपने बेडरूम में ही थी तो बेडरूम नहीं छानते। क्लॉडिया का फ्रेंड उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मार्टिन वहां होगा? ये कहती कि वो नहीं हो सकता, पिछले कुछ दिनों से वो अपने बेसमेंट में ही रहता है, मुझे ऐसा लगता था कि वहां वो कुछ डिग कर रहा था, मेरी ही ग्रेव वो डिग कर रहा था, ऐसा मुझे लगता था। क्लॉडिया को बहुत ही सिली लगता है और उसका फ्रेंड और वो इस पर हंसने लग जाते हैं। इसके बाद उसका फ्रेंड उसे चीयरअप करने के लिए कहता है कि कल तुम्हारा बर्थडे है, हम तुम्हारे लिए कुछ सेलिब्रेशन करते हैं। क्लॉडिया का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हारे बर्थडे के लिए तुम्हें क्या चाहिए? क्लॉडिया कहती है मुझे इन सब से दूर जाना है। उसका फ्रेंड इसके लिए एग्री नहीं करता, वो कहता है कि अच्छे से रेस्टोरेंट में हम जाएंगे। क्लॉडिया का फ्रेंड और क्लॉडिया इन दोनों में नजदीकियां अब पढ़ने लग गई होती है। क्लॉडिया जब अपने रूम में आती है तो अपने आप को प्लीज करने लग जाती है। नेक्स्ट दिन जब आता है तो क्लॉडिया को लगता है कि फिर से नीचे कोई है। वो जब देखने के लिए जाती है तो उसके फ्रेंड ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की होती है, उसके सब फ्रेंड्स वहां होते हैं। क्लॉडिया का फ्रेंड जब ऊपर आता है तो उसे फिलिप्स दिख जाता है, उसे लगता है कि पार्टी में इसे इन्वाइट किया गया होगा। वो फिलिप्स को डांटता है और कहता है कि मैंने सब लोगों को नीचे ही रहने के लिए बोला था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिलिप्स उसे अपोलोजाइज करता है और नीचे आ जाता है। उसे वहां क्लॉडिया दिखती है तो क्लॉडिया से बात करने लग जाता है। वो क्लॉडिया से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी गिफ्ट नहीं लाया है, ऐसा फिर से कभी नहीं होगा। वो क्लॉडिया से फ्लर्ट करने लग जाता है और कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, हम तुम्हारे बर्थडे के लिए कहीं नई कंट्री में कहीं अलग जगह पर जा सकते हैं। क्लॉडिया क्राइम से रिलेटेड टीवी शोज देखती है तो ये कहता है कि हम दोनों ये साथ देख सकते हैं। उसे जो बुक्स पसंद आती है ये भी वो कहता है। क्लॉडिया उससे पूछती है कि तुम कौन हो, उसे बहुत ही अजीब लगता है। तभी क्लॉडिया का फ्रेंड यहाँ आ जाता है, ये सबसे कह रहा होता है कि आज बहुत ही देर हो चुकी है, सब घर से अब जा रहे होते हैं। ये फिलिप्स को भी निकलने के लिए कहता है। फिलिप्स प्रिटेंड करता है कि वो वहां से चला गया है, वो सिर्फ डोर बंद करता है और वही छिप जाता है। क्लॉडिया और उसका फ्रेंड ये दोनों फिर ऊपर जाते हैं। क्लॉडिया उसे फ्लर्ट कर रही होती है तो इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होने वाले होते हैं। फिलिप्स घर में वॉक कर रहा होता है तभी उससे एक पॉट नीचे गिर जाता है। क्लॉडिया और उसका फ्रेंड अब नीचे आने वाले हैं तो बहुत ही डर गया होता है। जिस पॉट को उसने तोड़ा हुआ होता है उसमें बेसमेंट की चाबी होती है। इस चाबी से बेसमेंट को खोल लेता है और अंदर आ जाता है। क्लॉडिया और उसके फ्रेंड को आवाज आती है कि बेसमेंट में छुप गया है। क्लॉडिया अपने फ्रेंड को कह रही होती कि प्लीज बेसमेंट में मत जाओ, उसका पति हो सकता है। ये उससे कहती है कि कुछ दिनों पहले मेरा पति बेसमेंट में था तो बाहर से मैंने उसे लॉक कर दिया था, 2-2 घंटे में उसे कुछ खाना पीना चाहिए होता है वरना वो मर सकता है। इसके बाद उसकी कभी मुझे आवाज नहीं आई, इसका मतलब है क्लॉडिया ने अपने हस्बैंड को मार दिया है। क्लॉडिया के हस्बैंड की बॉडी उसके फ्रेंड को मिल सकती है इसलिए वो कह रही होती है ये जो सब है ये परफेक्ट है।
तुम्हें नीचे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसका फ्रेंड नहीं मानता, कहता है कि वह और कोई भी हो सकता है। अंदर आने के बाद यह फिलिप्स उसे मिल जाता है। ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बहुत इंजोर कर देते हैं। इस बेसमेंट का जो प्लान होता है ये फिलिप्स को यहाँ दिखता है। इस बेसमेंट में एक अंडरग्राउंड टनल होता है, इस टनल से वो बाहर निकल जाएगा, इसलिए टनल में घुस रहा होता है। तभी क्लॉडिया का फ्रेंड एक चाकू लेता है और फिलिप्स को इंजोर कर देता है। फिलिप्स और क्लॉडिया के फ्रेंड की जब फाइट हो रही थी, तब जो बेसमेंट की स्टेयर्स थी, इन दोनों ने इन स्टेयरकेस को खोखला कर दिया था। इसके ऊपर ही क्लॉडिया थी। ये स्टेयरकेस टूट जाती है और क्लॉडिया उसके फ्रेंड पर ही पड़ जाती है। ये दोनों यही मर जाते हैं। फिलिप्स टनल में होता है तो आगे चलने लग जाता है। आगे चलते चलते क्लॉडिया का हस्बैंड उसे मिल जाता है। जो आदमी उसके घर पर आया था ये वही उसे दिख जाता है। ये वही मरकर पड़ा हुआ होता है। इसका मतलब है क्लॉडिया ने जब दरवाजा बंद किया था तो सचमुच में उसका हस्बैंड वहां था। उसका हस्बैंड उसे कुछ भी मिला नहीं था, इसी वजह से मर गया था। इस आदमी के हाथ में हमें एक हथौड़ी दिखती है। मरने से पहले इस बेसमेंट से निकलने के लिए एक वॉल को तोड़ रहा था, इसको तोड़ नहीं पाया। फिलिप्स भी अब यहाँ से निकलना चाहता है तो इस वॉल को तोड़ देता है। इस वॉल को जब वो तोड़ता है तो एक अलग से बेसमेंट में आ जाता है। इस बेसमेंट को वो पहचान लेता है। ये फिलिप्स के घर का ही बेसमेंट होता है। फिलिप्स को ऊपर से आवाजें आ रही होती है तो ऊपर वो देखने के लिए जाता है। इस डोर के पीछे उसने किसी को गोली से मार कर बंद कर दिया था। उसने डोर में एक होल क्रिएट किया है। फिलिप्स जब इस डोर से देखता है तो अंदर उसकी वाइफ होती है। इसकी वाइफ को ही उसने शॉट कर दिया था। इसकी वाइफ का हाथ उसके स्टमक पर हमें दिखता है। ये प्रेग्नेंट होती है। अपने बेबी से ये बात करी होती है कि अब तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे। यही मूवी एंड हो जाती है। मूवी के बीच में हमने देखा था कि फिलिप्स की वाइफ उसके साथ एक रात के लिए रुकी थी तो वो किसी से बात कर रही थी। ये उसकी बेबी से ही बात कर रही थी। इसकी बेबी से कह रही थी कि कभी ना कभी तुम्हें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, तुम्हारे बारे में हम फिलिप्स को बताना पड़ेगा। फिलिप्स को लगा था कि किसी स्ट्रेंजर से बात कर रही है, पर अपने बेबी से बात कर रही थी। फिलिप्स को अपने घर में आवाज आती थी, उसे बेसमेंट से आवाज आई थी तो उसका नेबर ये था। नेबर जब मर रहा था तो वॉल तोड़ रहा था, इसी वजह से उसे इस बेसमेंट से आवाज आ रही थी। वो बेसमेंट देखने गया था पर बेसमेंट का डोर क्लोज हो गया था, इससे वो डिस्टर्ब हो गया था। फिलिप्स बहुत ही पैरानॉइड हो चुका था। वो अकेला ही रह रहा था, उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली गई थी। ये घर भी बहुत ही बड़ा था तो उसमें खिड़कियां दरवाजे इसका आवाज आता रहता था, तो फिलिप्स इससे डिस्टर्ब होता रहता था। फिलिप्स की वाइफ को उसकी पेंटिंग चाहिए थी। ये पेंटिंग लेने के लिए ही वो रात में आती रहती थी। फिलिप्स को लगता था कि कोई घर में है तो उसकी वाइफ वहां थी। वो ऊपर जाकर बॉक्सेस में कुछ ढूंढती रहती थी। फिलिप्स ने जब गन चलाई तो उसकी वाइफ वहां थी और वहां फोटो ढूंढ रही थी। हमने लास्ट सीन में देखा है कि वहां एक फोटो भी पड़ी हुई थी। जो नेबर फिलिप्स के घर में कॉल करने के लिए आया था वो तभी वहां से चला गया था। फिलिप्स को लगा कि वो अभी भी घर में ही है। मूवी के एंड में सब जो कैरेक्टर्स थे ये सब मर चुके हैं। ये बहुत ही मिस्टीरियस सस्पेंसफुल मूवी थी। हम फिर से मिलेंगे एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।